हेलो एवरीवन, हम लोग कैटल फार्मिंग पढ़ चुके हैं, पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिश प्रोडक्शन। हमारे डाइट में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है और फिश इज द चीपेस्ट एनिमल प्रोटीन। फिश दो तरह का होता है, पहला फिंड फिश और ट्रू फिश। इसका एग्जांपल्स है म्यूलेट्स, पर्ल स्पॉट, भेटकी, कतला, रोहू एक्सेट्रा। इस तरह के फिश में फिन्स होता है और ये ट्रू फिश होता है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने फिश के कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि फिश में फिन्स होता है। दूसरा है सेल फिश। इसमें एनिमल्स के बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाया जाता है। इसका एग्जांपल्स है प्रॉन, क्रैब, मसल्स, ऑयस्टर्स एक्सेट्रा। ये एक्चुअली ट्रू फिश नहीं होते, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनको कि हम खाते हैं। प्रॉन एंड क्रैब इंसेक्टा ग्रुप में आता है, मसल्स एंड ऑयस्टर मॉलस्क ग्रुप में आता है, इसीलिए ये ट्रू फिश नहीं है। ट्रू फिश है ये वाला। नाउ फिश को हम दो तरह से ऑब्टेन करते हैं, मतलब फिश प्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है, पहला कैप्चरिंग फिश और दूसरा कल्चरिंग फिश। कैप्चरिंग फिश में सिंपली फिश को कैप्चर करना होता है, पकड़ना होता है विद द हेल्प ऑफ नेट। कहाँ से फिश को पकड़ेंगे? तो उनके नेचुरल रिसोर्सेस से, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड, रिवर, लेक, ओशन, सी एक्सेट्रा। और कल्चरिंग फिश का मतलब हो गया फिश फार्मिंग और पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को हिंदी में मछली पालन कहते हैं। मतलब फिश प्रोडक्शन दो तरह से होता है, पहला पकड़ना और दूसरा पालना। फिश दो जगह पाया जाता है, मरीन वाटर में एंड फ्रेश वाटर में। जो फिश मरीन वाटर में पाया जाता है उसको हम मरीन फिश कहते हैं और जो फिश फ्रेश वाटर में पाया जाता है उसको हम फ्रेश वाटर फिश कहते हैं। अगर हम मरीन वाटर में फिश का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम मरीन फिशरीज कहते हैं, और अगर हम फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर में फिश का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम इनलैंड फिशरीज कहते हैं। सबसे पहले मरीन फिशरीज को समझते हैं। फिशरी का मतलब होता है फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन दो प्रोसेस से होता है, कैप्चरिंग एंड कल्चरिंग ऑफ फिश। सो मरीन फिशरी का मतलब हो गया कैप्चरिंग एंड कल्चरिंग ऑफ फिश इन मरीन वाटर, और मरीन वाटर पाया जाता है ओशन एंड सी में। मतलब हम बोल सकते हैं मरीन फिशरी इंक्लूड्स फिशरी इन ओशन एंड सी। हिंदी में मरीन फिशरी को समुद्री मछली उद्योग कहते हैं। समुद्री मछली का एग्जांपल्स है पॉम्फ्रेट, टूना, सर्डिन, बॉम्बे डक एक्सेट्रा। फिशरी में दो चीज आता है, फिश कल्चर एंड फिश कैप्चर। मरीन फिश कैप्चर किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ फिशिंग नेट से, फिशिंग बोट से, और कैप्चर को गाइड किया जाता है इको साउंडर से, सैटेलाइट से। फिशिंग नेट और फिशिंग बोट तो मछली पकड़ने में हेल्प करता है, और ये इको साउंडर एंड सैटेलाइट ये बताता है कि समुद्र में किस जगह पे ज्यादा मछली है। ये समुद्र में फिश के लोकेशन को बताता है, मतलब इसकी वजह से फिश का प्रोडक्शन बढ़ता है। कैप्चर का बात हो गया, अब कल्चर का बात करते हैं। कुछ समुद्री मछली जैसे भेटकी, प्रॉन, ऑयस्टर, पर्ल स्पॉट एक्सेट्रा, इनको समुद्री पानी में कल्चर किया जाता है और यू कैन से फार्म किया जाता है। इसको हम लोग मैरी कल्चर कहते हैं। मैरी कल्चर में हम समुद्र में ही एक पर्टिकुलर जगह को ले लेते हैं और उसके चारों तरफ बैरियर लगा देते हैं, और उसके अंदर हम समुद्री मछली का पालन करते हैं। दूसरा है इनलैंड फिशरी। इनलैंड फिशरी इंक्लूड फिशरी इन फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है रिवर, पॉन्ड, कैनाल एक्सेट्रा, एंड ब्रैकिश वाटर उसको कहते हैं जहां पे मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर आकर के मिलता है। इसका एग्जाम्पल है एस्चुरीज एंड लगून्स।
इनलैंड फिशरी में कैप्चरिंग मेथड ज्यादा ईल्ड नहीं देता, इसीलिए इनलैंड फिशरी में एक्वा कल्चर किया जाता है। एक्वा कल्चर का मतलब होता है फार्मिंग ऑफ यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्वा कल्चर में हम एक्वेटिक एनिमल के साथ एक्वेटिक प्लांट को भी कल्चर करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल लोटस। कभी कभी पैडी फील्ड में भी हम फिश को ग्रो करते हैं। इस तरह के कल्चर को इंटीग्रेटेड एक्वा कल्चर कहते हैं। नाउ एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग कर सकते हैं हम कॉम्पोजिट फिश कल्चर के द्वारा। कॉम्पोजिट फिश कल्चर को पॉली कल्चर भी कहते हैं। कॉम्पोजिट फिश कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 5 या 6 फिश के स्पीसीज के कॉम्बिनेशन को एक साथ में कल्टिवेट किया जाता है इन अ सिंगल फिश पॉन्ड। इसमें हम लोग एक ही समय में एक ही पॉन्ड में 5 से 6 तरह की मछली को पाल सकते हैं। क्योंकि इसमें सभी स्पीसीज का डिफरेंट फूड हैबिट होता है, दे डू नॉट कम्पीट फॉर द फूड। एज फॉर एग्जाम्पल हम एक ही फिश पॉन्ड में कतला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प को पाल सकते हैं, क्योंकि कतला जो है वो सरफेस फीडर है, वो ऊपर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को ही फीड करेगा। रोहू मिडिल जोन फीडर है एंड मृगल एंड ग्रास कार्प जो है वो बॉटम फीडर है। कतला का जो फूड है वो पॉन्ड के सरफेस जोन पे ही पाया जाता है, मिडिल जोन या बॉटम में उसका फूड नहीं होता। रोहू का जो फूड है वो मिडिल जोन में ही पाया जाता है, ना तो सरफेस जोन पे पाया जाता है ना ही बॉटम पे पाया जाता है, इसीलिए इनके बीच में फूड के लिए कभी फाइट नहीं होता। इसीलिए फिश पॉन्ड में जितना भी फूड है वो पूरा का पूरा यूज हो जाता है। क्योंकि फिश पॉन्ड का पूरे अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है और एक ही समय में 5-6 तरह का फिश, जिसमें लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश आ जाता है, उसको हम एक साथ में कल्चर कर सकते हैं। तो अगर हमको इंटेंसिव फिश फार्मिंग करना है तो हम लोगों को कॉम्पोजिट फिश कल्चर करना चाहिए। नाउ कॉम्पोजिट फिश कल्चर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। इसमें फिश यील्ड बहुत होता है, वो भी सेम कॉस्ट में। इसमें पॉन्ड का कंप्लीट यूटिलाइजेशन होता है, एक ही समय में 5 से 6 तरह का मछली को कल्चर कर सकते हैं। कॉम्पोजिट फिश कल्चर का एक डिसएडवांटेज है, करीब करीब सभी मछलियां मॉनसून के समय में ही ब्रीड करती है, जिसकी वजह से हमें गुड क्वालिटी का सीड, मतलब मछली का अंडा, एग कम मिल पाता है। देखो सभी फिश एक ही समय में अंडा देगा तो क्या होगा, सब तरह का जो अंडा है वो मिक्स हो जाएगा और हमें जो एग मिलेगा वो एक जैसा नहीं होगा, एक तरह का नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिशेस को हार्मोनल स्टिमुलेशन से ब्रीड किया जाता है। हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से एक समय में एक ही तरह का फिश ब्रीड करेगा, इससे हम लोगों को अच्छा क्वालिटी का सीड और यू कैन से एग मिल सकेगा। कॉम्पोजिट फिश कल्चर के साथ हमारा ये टॉपिक फिश प्रोडक्शन यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।